गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज की वीडियो है, मैंने सीरियसली नहीं सोचा था मैं इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कभी कोई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि मैं प्लीज़ बताऊं कि मैंने अपना वेट गेन कैसे किया। मैं सबके कमेंट्स नहीं ढूंढ पाई, लेकिन जितने लोगों के मुझे कमेंट्स मिले मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इन लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने अपना वेट गेन कैसे किया है। सो एक चीज़ बताऊंगी कि यार मैंने अपना वेट गेन एकदम इंस्टेंटली नहीं किया है, टाइम लगता है वेट गेन करने में। तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आप लोगों को बताऊंगी। दिस वीडियो इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर यू, जैसे कि मेरे लिए रही है। और पहली चीज़, मैं कोई यार डॉक्टर नहीं हूँ और कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ, तो मुझे कोई डाइट पर्टिकुलर नहीं पता है कि जो मैंने फॉलो किया शायद आपके लिए भी ठीक रहे, शायद नहीं रहे। तो पहली चीज़, मैं कोई डॉक्टर न्यूट्रिशन नहीं हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, क्या चीज़ यूज़ की हैं। सो यार लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माई एवरी वीडियो गाइज। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड या गाइज लेट्स स्टार्ट इट। गाइज, आप सिर्फ दो सिंपल स्टेप से अपना वेट गेन कर सकते हो। पहला है आपको माइंडसेट करना है आपको कि यस मुझे वेट गेन करना है, एंड दूसरा आपको जस्ट खाना खाना है, दैट्स इट। से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना वेट गेन करना है। वेट गेनिंग आप बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितना वेट गेन करना है। जैसे कि मेरा वेट यार 39 केजी था, और ये जस्ट कॉलेज लाइफ में नहीं, आफ्टर कॉलेज भी मेरा वेट 39 केजी ही रहा है, जो कि गलत है क्योंकि बहुत कम है और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट बहुत कम है। तो अगर आपका भी बहुत अंडर वेट हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना वेट गेन करना है। इसके लिए आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट गेन कर सकते हो। एंड एक और चीज़, मैं नहीं कहती कि स्किनी और मोटा होना इज़ अ प्रॉब्लम, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी तरह थे सो यस यू नीड टू गेन वेट गर्ल। करंटली मेरा वेट है 55 केजी, तो आप डिफरेंसेस देख सकते हो मैंने कितना वेट गेन किया है। और मेरी प्रेफरेंस है, मैं अभी भी वेट गेन कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना वेट गेन कर सकते हो। आपको 2 kg बढ़ाना है, 3 kg, 4, 5, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट गेन कर सकते हो। मैं अपनी डाइट शेयर करने से पहले एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जब हम वेट गेन करते हैं ना, तो आपकी बॉडी पे कोई शेप नहीं आती। बहुत लोगों को शायद ऐसा लगता है कि वेट गेनिंग से आपकी बॉडी में शेप आती है, तो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी पे फैट कहीं भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। किसी के आर्म पे फैट जाता है, किसी के चीक्स पे, किसी के बेली पे, तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी शेप के ऊपर कि कहाँ पे आपकी बॉडी शेप पे फैट जाएगा। इसको आपको शेप वाली बॉडी लेने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ तभी मेरी बॉडी में जो फैट है उसको मैं पर्टिकुलरली उस एरिया पर डाइवर्ट करती हूँ कि जिस एरिया पे मुझे फैट चाहिए। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मुझे ना DM आ रहे हैं, इवन किसी ने YouTube पे भी पूछा था कि क्या मैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए कोई पिल्स वगैरह लेती हूँ। नहीं यार, और ना ही वेट गेनिंग करने से मेरी ब्रेस्ट पे कोई असर हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप वेट गेन करते हो तो समझ रहे हो ना, ऐसा डिपेंड करता है आपकी जीन्स के ऊपर। मेरे जीन्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मे भी आप लोगों के साथ हो सकता है और मे भी नहीं हो सकता। सो यस, यही बात क्लियर करनी थी, मैं कोई पिल्स नहीं लेती हूँ, जो है ऐसे ही है। एंड या गाइस, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या डाइट फॉलो की थी। सब बोलूँगी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई न्यूट्रिशंस नहीं हूँ, तो मैं अपना बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे रिसर्च के साथ क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड किया। फर्स्ट थिंग डाइट का वो बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसमें सब कुछ वेज इंक्लूड होगा, कुछ भी मैंने नॉन वेज इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन। अगर आप लोग वेजिटेरियन डाइट ढूंढ रहे हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो अपनी डाइट स्टार्ट की थी वो मैंने टाइमिंग के अकॉर्डिंग रखी है कि मैं इतने से इतने बजे के बीच में इतना खाना खाऊंगी। तो उसमें मैंने इंक्लूड किया था एक बाउल दलिया, उसके बाद आलू बड़े होने चाहिए, उबले हुए, छोटे छोटे नहीं, बड़े यूज़ करना, उबले हुए आलू। फिर उसके बाद आप 4 ब्रेड के स्लाइस खा सकते हो विथ बटर, एंड उसमें आप टी, कॉफ़ी, जूस, जो आपका प्रेफरेंस है वो इंक्लूड कर लेना। एंड उसके बाद आपको खाने हैं 2 बनाना विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मिल्क होगा वो टोन मत यूज़ करना, फुल क्रीम मिल्क यूज़ करना, क्योंकि टोन मिल्क हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी बॉडी हमें वेट लूज़ करना होता है। एंड फुल क्रीम मिल्क, और इसके बीच में आपके प्रेफरेंस है, आपको जो खाना है, पराठे खाने हैं, जो भी खाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग खा सकते हो। तो मैंने तो ये खाया था, आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में अपनी टाइमिंग डाली थी, उसी तरह से मैंने लंच में भी अपनी टाइमिंग डाली थी। तो मेरा 1:30 से लेके 3:30 तक लंच चलता था, तो इसमें मैंने डाले थे 2 बाउल ऑफ राइस, इसके साथ साथ मैं दाल इंक्लूड कर दी थी, आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी दाल ले सकते हो, प्लस 2 रोटी जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसमें भी मैं आलू इंक्लूड करती थी, बॉयल 2 आलू, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। और अपने अकॉर्डिंग आपको जो खाने का मन है वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो इस खाने के साथ साथ। तो ये मेरा था, आप अपने अकॉर्डिंग इसके साथ साथ जो आपको मन करता है वो खा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको यही खाना है। 5 to 6 के अकॉर्डिंग भी आपको अगर
कुछ क्रेविंग हो रही है या आपको कुछ खाने का मन कर रहा है जो कि नहीं करता लेकिन फिर भी खा लेना, इसमें आप कुछ भी खा सकते हो, लाइक समोसा, बर्गर, टिक्की, कुछ भी खाने का मन हो तो खा लेना, ज़रूर खा लेना। जो कि मैंने खाया, बिल्कुल मन नहीं करता मुझे पता है, लेकिन वेट बढ़ाना है तो खा लेना। अब है डिनर टाइम, तो मुझे पता है इतना सब कुछ खाने के बाद आपका डिनर में कुछ खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा नहीं करता था लेकिन खाना है। तो मेरा डिनर स्टार्ट होता था 8 बजे से, जिसमें मैं इंक्लूड करती थी 2 बाउल ऑफ राइस, उसके साथ दाल और उसके साथ 2 रोटी। खाने के बाद आपको कुछ मीठा खाना है तो मीठे में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जो आपको मीठे में खाना पसंद है वो ऐड कर लेना। और फिर इसके बाद सोने से पहले 1 ग्लास दूध पी लेना, और उसके साथ आप बनाना भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने ये सब खाया है अपनी डाइट में, एंड या दैट्स इट। आई नो मुश्किल है, पर यस यू कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट तो यू गाइज ऑल्सो कैन डू इट। गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माई एवरी वीडियो गाइज। एंड या मैं फिर से बोलूँगी कि मैं कोई डॉक्टर और न्यूट्रिशन नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरी पर्सनल डाइट है जो मैंने फॉलो की है अपना वेट बढ़ाने के लिए, जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका मन है और नहीं करना चाहते तो मत करना। एंड या गाइस दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।